क्या नाम आपका? प्रतिमा भारती। कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा बिहार रत्नोपट्टी से। और ये जो आप आर्ट बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग है सर। मधुबनी मिथिला पेंटिंग। तो ये आर्ट फॉर्म किस तरह से डेवलप हुई है, मतलब पहले क्या यूज होती थी आर्ट, ये अब आर्ट बन गई है? पहले भी सर, पहले तो लोग दीवार पे बनाते थे, अब कोहबर उबर जो होता, पहले शादी वादी में पहले ये बनते थे, फिर दीवार पे बनाते बनाते लोग, बहुत लोग गए उसको पसंद आया तो उसको बाहर निकाला गया, पेपर दिया गया बनाने के लिए, फिर मार्केट में लाया गया। जी जी जी, अभी भी फेमस है, अभी भी विश्व फेमस है, अभी भी यूज होता है हर घर घर में, समझिए बहुत लोग लेते हैं और सिखाते भी है लोगों को, जाते भी है, जितना नेशनल पद्म श्री हमारे मिथिला पेंटिंग में मिला है उतना कोई भी आर्ट में हमको लगता है शायद नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो मुझे पता नहीं होगी, लेकिन आज तक में तो बहुत अच्छा है। आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? हमको स्टेट मेरिट मिला हुआ है, नेशनल जी, स्टेट वार्ड में भी अप्लाई कर रखे हैं और नेशनल वार्ड में भी अप्लाई कर रखे थे, ये बड़ा वाला रामायण है जो नेशनल वार्ड सेकेंड स्थान में आया है। सब कुछ बनाते हैं, रामायण से जुड़ा हुआ जो हो, महाभारत से, या कोई भी थीम होता है, गांव विलेज कल्चर हो गया, पेड़ पौधे, गाय, पीकॉक वगैरह, फिश उस सब, ये सब भी बनाते हैं और हर कुछ पे बनाते हैं, हवा और पानी छोड़ के सब कुछ बना लेते हैं। इसकी ट्रेनिंग आप कहाँ कहाँ देते हैं? हर जगह देते हैं, अपना इंडिया में भी दिए हैं, अपना इंडिया से बाहर भी दिए हैं, कोरोना टाइम में ऑनलाइन पे भी बहुत सिखाए हैं अपने इंडिया के लोगों को, अपना इंडिया के बाहर के लोगों को भी बहुत। और इसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब आपको क्या क्या सपोर्ट दिया है, या फिर कहीं बुलाते हैं आपको तो फ्री होता है या फिर आपको नहीं? कई जगह फ्री होता है, लगभग कई जगह फ्री होता है। कहाँ कहाँ तक आपने ट्रैवल किया इसके लिए? बहुत जगह गए, जयपुर गए हैं, राजस्थान, हैदराबाद, आगरा, गोवा, सूरज कुंड, दिल्ली हाट जाते हैं, उस सबका चार्ज आपको खुद पे करना पड़ता है या फिर गवर्नमेंट आपको देती है उसके लिए? नहीं, हाँ कई जगह गवर्नमेंट दी है, कई जगह खुद पे करना। और जो आप ये आर्ट बनाते हैं इसके अंदर आप नेचुरल कलर सारे के सारे यूज करते हैं, हैंडमेड जी? और पेपर कौन सा यूज करते हैं? पेपर भी हैंडमेड ही है, हैंडमेड होता है, इसमें कपड़ा और पेपर दोनों मिक्स होता है।